हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिस्टिकेटिव आइडिया हेयर एंड ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अलग तरीके का वीडियो शेयर करने वाली हूं। जैसे कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें मैं आपके लिए कमाल का वीडियो लेकर आई हूं। काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे टाइम से मैं सोच रही थी ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करना, बट टाइम की कमी होने की वजह से मैं इसको शूट नहीं कर पा रही थी। और अब कुछ रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स बोल भी रहे हैं YouTube से जुड़े हुए ही, कि जो मेरी YouTube की फैमिली है काफ़ी बड़ी हो गई है, और आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वीडियो पे जो कमेंट करते हो उसके लिए धन्यवाद। और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भेजते रहिए, और मैं आपके रिक्वेस्ट के वीडियो ज़रूर बनाती रहूँगी। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपको स्किन केयर से भी जुड़े हुए वीडियो बनाने चाहिए और टॉपिक के भी वीडियो बनाने चाहिए, तो मैंने उसी टॉपिक को आज सोचा है कि चलो, इससे पहले मैंने आप सबके साथ हेयर का वीडियो शेयर किया था, आज मैं नेल का वीडियो शेयर करती हूँ। फेस्टिव सीजन में सभी सोचते हैं कि अपने नेल को बहुत सुंदर बनाएं, नेल पॉलिश बहुत अच्छी तरीके से लगाएं या कुछ डिफरेंट करें। तो मेरे भी हेयर नेल जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और मैं भी इनको वाइट रखना इसलिए ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे रोज़ वीडियो शूट करने हैं और नेल पॉलिश बहुत जल्दी छूट जाती है, आप सबको पता ही है, इसलिए मैं इनको बिल्कुल प्लेन ही रखती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि चलो आप सबके लिए एक अलग तरह का नेल आर्ट का वीडियो शेयर करते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और अगर आपके कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देख लो जी फटाफट से कैसे बनाया। मैंने दो डिफरेंट कलर के मैंने यहाँ पर कलर लिए, आधे आधे नेल पे मैंने लगा ली है, और उसके बाद जो हमारी टूथपिक आती है उससे मैंने इसको बस क्रिस क्रॉस कर दिया है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आपको कौन सा पसंद आएगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद, और मैं एंड में बताऊंगी मुझे कौन सा अच्छा लगा था या मेरी बेटी को कौन सा अच्छा लगा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पर्पल कलर का एक लगाया है, आपको रेड दिख रहा होगा लेकिन ये डार्क पर्पल कलर है, और उसके बाद मैंने साइड में जो लगाई है वो ग्रीन कलर की थी। तो देखो दोनों के ऊपर एक दूसरे से अलग मैंने डॉट लगाई और उनको इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो कैमरा फोकस नहीं कर रहा था बट ये बहुत अच्छे लग रहे थे, देखो बहुत सुंदर ही आया था बनकर, बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे हमने आर्टिफिशियल नेल लगाए हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे नेल बढ़ते नहीं, अगर आपको नेल बढ़ाने हैं कमेंट करना मैं ज़रूर बताऊँगी। तो आर्टिफिशियल नेल लगाने की बजाय अपने खुद के नेल बढ़ाओ और उस पर मन चाहा कलर लगाओ नेल पॉलिश का, और उस पर डिज़ाइन बनाओ जैसे आपको अच्छा लगे। फिर से मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर लिया और उसके ऊपर मैंने पर्पल कलर की डॉट रख दी है, ये देखो, ठीक है, डार्क पिंक बोल सकते हो या पर्पल बोल सकते हो। और उसके बाद मैंने सीधा यहाँ पर अपने टूथपिक से इस तरह से क्रिस क्रॉस कर दिया है। अब देख सकते हो अगर मैं बोलने में कुछ गलत कर रही हूँ तो आप सामने जो आपको दिखाया जा रहा है आप वो देखो और उस तरह से प्रैक्टिस करो। मैंने फर्स्ट बार बनाया था ये, कोई प्रैक्टिस नहीं की थी इससे पहले कभी भी, सिर्फ दो चार वीडियो मैंने देखे थे और बस मैंने सोचा था कि चलो इस तरह से बनाते। काफ़ी लंबे टाइम से मैं अपने ब्यूटी से जुड़े हुए जो मुझे अच्छा लगता है मैं उससे जुड़े हुए वीडियोज़ देखती ही हूँ, और फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो आप सबके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये पर्पल कलर है बिल्कुल, और आप बिलीव नहीं करोगे काफ़ी पहले का है ये, इसके ऊपर मैंने ग्रीन की डॉट रखी। आप मुझे यहाँ पर कलर का सजेशन भी दे सकते हो, तो मैं आप देखते होगे लगातार कि मैं इतना सजना संवरना पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा, तो आप बिलीव नहीं करोगे ये दोनों की दोनों नेल पॉलिश जो है मैं अभी जो दिखा रही हूँ ये पिछले करवा चौथ पर मैंने ली थी, एक ग्रीन वाली तीज पर ली थी और ये पर्पल कलर की जो है ये मैंने करवा चौथ पर ली थी क्योंकि मेरा जो सूट था वो पर्पल कलर का ही था। तो इस तरह से मैंने डॉट लगा कर बस उसको सीधा नीचे की तरफ खींच दिया है। अगर आप इसी टॉपिक पर कुछ और वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना ताकि मैं और भी अच्छे डिज़ाइन आप सबके साथ लाऊं, क्योंकि मैंने खुद ने प्रैक्टिस नहीं की थी तो बहुत से लोगों को ये बहुत बुरा लग सकता है, बट मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि मम्मी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। कैमरा फोकस नहीं कर रहा था लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखो एक तरफ मैंने पर्पल कलर का बनाया है, दूसरी तरफ मैंने अलग बिल्कुल लाइट कलर का स्किन कलर का मेरा नेल पॉलिश थी उससे लगाया है, और सिर्फ दोनों के डिफरेंट कलर जो मैंने यूज़ किए हैं वही डिफरेंट कलर की डॉट उनके ऊपर रख दी है। तो ये वाला कलर आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा आया था ये बनकर, आप देख सकते हो। बस मैंने टूथपिक का सहारा लिया है और बस इस तरह से जैसे मुझे अच्छा लगा मैंने उस तरह से घुमा दिया है। तो आप कलर देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, कैमरा ना फोकस नहीं कर रहा था, बहुत टाइम मैंने इसको वेट करा कि ये फोकस करे नहीं कर रहा था, और आप बिलीव करोगे ये वीडियो हम रात को 11:30 बजे के बाद बैठ कर शूट कर रहे थे क्योंकि हस्बैंड जब सो गए थे, बेटा भी सो गया था उस टाइम, बेटी और मैं दोनों बैठ कर रहे थे। ये मेरे कैमरे का ही वो है क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको कैसे दिखाऊँ कि कितना प्यारा सा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे कौन सा अच्छा लगा था, ठीक है, आप देख सकते हो। तो मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में मुझे कौन सा अच्छा लगा था, अलग अलग करके मैं सारे फिंगर आपको दिखा रही हूँ, आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना,
और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको हेयर के वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर आप ब्यूटी से जुड़े हुए, नेल से जुड़े हुए या कुछ और टाइप के वीडियो आपको देखना पसंद है, स्किन से जुड़े हुए। जैसा आप कमेंट करोगे मैं उसी तरह के वीडियो आप सबको शेयर करती रहूँगी। तो देखिए अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है ना, मुझे वो बहुत प्यारी लग रही है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और बेटी को यहाँ पर मेरा जो थंब है वो अच्छा लग रहा था। तो ये देखो जी, आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इसी तरह से अपने प्रैक्टिस करके खुद का नेल आर्ट घर पे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।